हाय एवरीवन, स्वागत है हमारे न्यू कुकिंग चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे लौकी की खीर। लौकी खीर के लिए मैंने आधा किलो लौकी ली है। इसके ऊपर का छिकला मैं निकाल लूँगी। तो छिकला मैंने निकाल लिया है। लौकी को अब कट करेंगे हम। कट करके इसके बीज का पोर्शन है, बीजे वाला, उसे हम निकाल लेंगे। सारे पोर्शन को निकाल लेंगे। तो मैंने सारे पोर्शन को निकाल लिया है। मैंने कद्दूकस लिया है। अब लौकी को कद्दूकस कर लेंगे। तो मैंने सारी लौकी कद्दूकस कर ली है। इसका दबा के पानी भी निकाल लिया है। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है। इसमें आधा चम्मच घी डालेंगे। घी को गर्म करेंगे। घी गरम हो गया, अब इसमें हम लौकी डालेंगे। लौकी को हम 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। लौकी हमारी फ्राई हो चुकी है। अब इसमें हम 1 कटोरी चीनी डालेंगे। चीनी को हम चलाएंगे। चीनी को हम जब तक चलाएंगे तब तक मेल्ट नहीं हो जाती है। चीनी हमारी मेल्ट हो गई है। अब इसमें हम दूध डालेंगे। दूध हम 2 गिलास ही डालेंगे। तो मैंने 2 गिलास दूध डाल दिए हैं। अब इसे हम हल्के हाथ से चलाएंगे। गैस की फ्लेम को हाई कर लौकी हमें ज़्यादा नहीं पकानी है, क्योंकि ये फ्राई करते वक्त पक चुकी थी। दूध मुझे पकाना है। दूध को हम हाई फ्लेम में पका लेंगे। तो दूध हमारा गाढ़ा हो गया है। खीर भी हमारी एकदम से परफेक्ट तरीका से पक के रेडी हो गई है। गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद, क्योंकि खीर हमारी पक चुकी है। ये खीर गर्मियों के लिए बहुत बेहतर होती है। गर्मियों में ज़रूर इस खीर को ट्राई करें। तो आई होप वीडियो हमारी कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर।